सो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मेरे पास कुछ नहीं था, मोबाइल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों। सो मैंने अपना हाँ जो है ना, दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजभान पाल और मैं ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ। मेरा चैनल है यूट्यूब विलेज फैमिली ब्लॉग। सो मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों यूट्यूब पर, और ये मेरी जर्नी देख सकते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ कि कब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। 2020 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और एक चैनल बनाया था। उसके बाद से मैंने दो दो एक साल वीडियो बनाया, उसके बाद छोड़ दिया। 2024 में वीडियो बनाना स्टार्ट किया है दोस्तों। सो आप लोग को मैं दिखाऊंगा मेरे लाइफस्टाइल के बारे में, और ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा गांव है और ये मैं छत पे हूँ और यहाँ से वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग वीडियो देखिएगा दोस्तों, और मैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताता हूँ कैसा मेरा सेटअप है और मैंने हेलो क्या गाइस, क्या। आप लोग देख सकते हैं जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था दोस्तों, तो मेरे पास कुछ नहीं था, मोबाइल के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था दोस्तों। सो मैंने अपना मेहनत से अपना दिमाग लगा के मैंने इतना सब जुगाया है दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं आज मेरे पास ये न्यू मोबाइल है, मैंने ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए लिया था, और ये बोया माइक है जो मैंने लगाया हुआ है, और ये देख सकते हैं दोस्तों ये ब्लूटूथ है, जब मैं दूर कहीं जाता हूं तो इसको चार्ज करके वहां पे लगा के ब्लॉग वीडियो बनाता हूं दोस्तों। ये मेरे पास देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास ट्राइपॉड है जो मैं इससे ब्लॉग वीडियो ऐसे शूट करता हूं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था दोस्तों। सो मैं कहना चाहता हूँ ये मेरा घर है, यहीं पर मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब पर काम करना। सो आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मेहनत मेहनत करना ज़रूरी है दोस्तों। सो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी गाय है, मैं इसको खिलाते पिलाते मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया था, और आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ दोस्तों। सो आप लोग की दुआ और कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सो ये छाटी का मशीन है, यहीं पे मैं छाटी छाटने का वीडियो बनाया था। सो आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी हुई है मुझे, और आगे ही मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। मेरी वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कमेंट करने से मेरे को बहुत ही सारा खुशी मिलता है और आप लोग का आशीर्वाद मिलता है दोस्तों। इसी के साथ यूट्यूब पे बने रहिएगा दोस्तों, और मेरी वीडियो को वॉच करते रहिएगा। थैंक यू। पीछे देख सकते हैं वहाँ पे भीड़ है, और वहीं पे हम लोग जाएंगे बात करेंगे। अंकल जी हैं वहाँ पे भीड़ चरा रहे हैं, और ये उनकी बेटी जा रही है, नतिनी है, बहुत पगलेट है, तो भेड़ चढ़ा के इसी में बनाता है दोस्तों। और ये जगह है घर के बीच, गांव के बीचों बीच में है, और यहाँ पे भेड़ रखा जाता है, और रात को यहीं पे रुकती हैं सब, और रुकने के बाद फिर सुबह में चराने के लिए लेके जाते हैं। ये ना कुछ लगा हो ना का हो जाता है, और ठीक है बा कितना दूर बा के नहीं दादी ले ये जाएगा। तो दोस्तों ये सब देख सकते हैं, बैरिकेड लगा हुआ है, और यहाँ से बाहर नहीं जाती हैं भीड़, बांध के रखा हुआ है चारों ओर से।